सभी को मेरी ओर से नमस्कार और छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार आप आज बोस ने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया और आपने मुझे सिर्फ इतना सा कहा कि कल मैं आपके ग्रे जिले में हूँ तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था कि मेरे ग्रे जिले में अगर बोस आए हैं और स्पेशली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं ऐसे मौके पे मैं भी दो उद्देश्य से आया कि एक तो क्योंकि मेरा गृह ज़िला है तो इस प्रोग्राम में मुझे आके बहुत खुशी हुई और स्पेशली यहाँ की संस्था प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद और संस्था का जो सारा परिवार बैठा है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा सेकेंड चीज़ जिसके लिए सर भी जानते हैं कि जनरली क्या होता है सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपनी बात रखते हैं पर वो इतने दम खम से हैं और इतने जज्बे से बात को रखते हैं कि मैं तो खुद सुनने के लिए आता हूँ तो आज मैंने दो तीन चीज़ें सीखी है थोड़ी देर के लिए अभी जैसे बॉस ने बोला है अगर बच्चे थोड़ी देर सुन ले मैं बहुत लंबा भाषण दूंगा नहीं क्योंकि अदरवाइज मैं दो तीन घंटे भी बोल सकता हूँ बट मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ तो अभी बैठे बैठे बॉस ने एक दो चीज़ें जो बोली उससे आज मैं खुद भी मोटिवेट हुआ हूँ जिससे डेफिनेटली पेरेंट्स जो बैठे हैं वो भी होंगे और बच्चे तो निश्चित रूप से होंगे आपने एक चीज़ कही थी जब कुछ बच्चे जैसे अभी गर्मी होने पे आप सर्टिफिकेट्स हैं हवा डाल रहे हो तो आपने एक चीज़ कही कि हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज खेत में जब काम करते थे और इतने मुश्किल हालात में खेत में काम करते थे तब वो हवा नहीं करते थे कहीं पे भी वो इतनी गर्मी में भी काम करते थे क्योंकि उन्हें हमें पालना था और आज हम लोग इतनी छाया में बैठने वाले इतनी अच्छी फैसिलिटीज में बैठने वाले को अगर गर्मी होती है और हम दो तीन घंटे उसको सहन नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हम लोग कमजोर हैं और शायद निश्चित रूप से हमारे पूर्वज जो हमारे आसपास बैठे हैं हमारे घर पे बैठे हैं और इवन हमारे जो पूर्वज जो हमें देख रहे हैं निश्चित रूप से उनको निराशा होगी कि हमने इतने कमजोर बच्चे थोड़े ही पैदा किए तो पहली चीज मेहनत का जो बोस ने बताया वो सबसे बड़ी चीज़ है अब मैं मेरी अपनी बात शुरू करता हूं कई बार हम लोग देखते हैं सुनते हैं बच्चे भी स्पेशली सुनते हैं बहुत ही मैं साधारण लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि हम हमारे आसपास सुनते हैं कि साहब फला का बच्चा सफल हो गया फला की बेटी सफल हो गई फला के बच्चे बहुत काबिल है तो सफल और काबिल क्या होता है अभी हम गिनाने को बहुत से गिना सकते हैं कि वो डॉक्टर बन गए वो इंजीनियर बन गए वो आर बन गए वो आई बन गए वो पॉलिटिक्स में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं सफलता का एक ही मंत्र है कि अगर हमारे माता पिता अगर हमारे गांव में अगर हम लोग रहते हैं हमारे गांव के सार्वजनिक पब्लिक चौक में से निकलते हुए दूसरे लोग ये कहें कि इनका बेटा फला है ये उनके पिताजी हैं ये उनकी माताजी हैं और आपको ये पूछे कि आजकल आपका बेटा कहाँ है और कब आएगा मुझे मिलाना उससे तब तो मानो आप सफल हो और अगर हमारे माता पिता ऐसे किसी चौक से किसी पीपली के नीचे बने हुए घट्टे से या किसी भी दुकान से मार्केट से सिर्फ ये सोच के निकले यार कोई मुझे ये बोल के ये नहीं पूछ ले साहब आपका सोन क्या कर रहा है आजकल? आज का आपका मौन क्या कर रहा है तब मुझे शर्म आए बताते हुए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है तो समझना हम सफल नहीं है यही सफलता की कोटी है और यह सफलता हम हासिल करने के लिए हमें केवल तीन चीजों की जरूरत है पहली चीज जिसका कोई विकल्प नहीं है वो है मेहनत हार्ड वर्क आपने अभी देखा होगा आपके सामने अभी बोस जब बोल रहे थे तो मैं कई बार बोस को ये भी बोलता हूँ कि आपको छब्बीस साल हो गए बच्चों के पर मेहनत करते हुए लेकिन हर दिन ये लगता है जैसे कल आप इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हो और कल से आप जो है नया बेच जो है वो लाके उसको आप मोटिवेशन शुरू कर रहे हो तो ये वाली एनर्जी सिर्फ हार्डवर्क से आती है और हमें मेहनत करनी है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है हम सोचें कि बहुत कोई आसानी से किसी को के के कोई सफलता मिल जाएगी या हमारे माता पिता के पास इस बार तो फसलें बहुत अच्छी हुई है और दस लाख की सरसों हो गई है कहीं जाके मेरी भर्ती करा देंगे कहीं पे भी सेटिंग करा देंगे ये गलत फहमी है और अगर ऐसे किसी शॉर्टकट से कोई बन भी गया तो वो कुछ नहीं बना वो वहीं ख़त्म है वो आगे जाके उस इंस्टीट्यूट को और ख़राब करेगा तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है हमें ये दृढ़ निश्चय करना है आज से ही आप लोग सोचो कि चाहे कुछ भी हो जाए और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं जैसे हमें कहा जा रहा है हमें बुक्स से तो पढ़नी है हमें कौन सा हल जोतना है लेकिन अगर हमने सही समय पर अगर बुक्स नहीं पढ़ी तो हो सकता है हमें हल भी जोतना पड़ जाए हमें पत्थर भी तोड़ने पड़ जाए तो हमें मेहनत से कभी भी घबराना नहीं है सेकंड चीज है सही समय पर की हुई मेहनत अब सही समय कब है ये सही समय है आपका मैं आप ही के बीच से निकला हुआ हूं और आप लोग तो बहुत बड़े गांव में रहते हो अगर थावला में रहते हो तो थांवला मेरे गांव का कम से कम पचास गुना बड़ा है ये मैं मानता हूं क्योंकि मैंने थांवला को देखा है मेरी यहाँ रिश्तेदारी भी है मैंने देखा हुआ है और अभी हमने पूरा मार्केट देख के आए मैं पीलवा गांव का रहने वाला हूँ और पीलवा गांव में एक छोटी सी ढाणी है जिसको खातियों की ढाणी बोलते हैं जिसमें तीस चालीस घर है और उस मैं रहने वाला हूँ सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ टेंथ तक पीलवा की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और उसके बाद फिर मैं अजमेर पढ़ा और मेरी स्कूलिंग अजमेर हुई मैं 2011 हज़ार ग्यारह बेच का आर ए एस हूँ मेरी फोर्थ रैंक थी राजस्थान में इससे पहले मैंने आई ए एस के एग्ज़ाम्स भी आप लोगों को मैं मेहनत करने के लिए सिर्फ कह सक कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेहनत करने की पूरी कोशिश करी और मैंने मेहनत भी करी जितनी मेरी क्षमता थी उससे बढ़ के मैंने कोशिश करी क्योंकि मेहनत क्यों करी जो मैंने बताया कि सफल होने के लिए और सफल कैसा कि भाई आपके पेरेंट्स को गर्व महसूस हो कि हमारा बेटा या हमारी बेटी इस मुकाम पे और दूसरी चीज़ आपको भी संतुष्टि हो मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी दिए कई बार क्या होता है कई बार हम बच्चे सोचते हैं कि हमें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई थर्ड ग्रेड टीचर बनना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें हम तो चार महीने का एग्जाम देके पढ़ाई कर लेंगे हमें जो है फोर्स में जाना है क्या करना है पाँच दस दिन हम जो है रोड साइड में कहीं दौड़ भाग करके दौड़ना सीख लेंगे और लास्ट टाइम दौड़ के थोड़ा सीख के हम सफल हो जाएंगे लेकिन अगर आप बड़ा एम रख के और बड़े उद्देश्य से पढ़ाई करते हो तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है मैंने सिविल सर्विसेज़ के छः बार मेंस दिए मेरा चौथे इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ लेकिन उसी समय आर का एग्ज़ाम में मुझे फोर्थ रैंक मिली वो सिर्फ़ इसलिए कि मैंने मेरा एम यूपीएससी रखा वहाँ के लेवल से मेहनत करी तो मुझे आर में बहुत अच्छी रैंक मिली तो आप लोगों को अपना बड़ा टारगेट रखना है और दूसरा मैंने कहा कि मेहनत सही समय से करें ये पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है सही समय क्या होता है ये सबसे सही समय है जब बच्चा स्कूल में स्कूल में ही उस बच्चे को ये ललक लग जाए कि मुझे सफल होना है ये समय गुजर गया आप देखा होगा हमने गाँव में और इस्पेशली क्योंकि नागौर से तो मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ अभी तो बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं बट अभी भी जो पोटेंशियल है नागौर में उतने सेलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि अभी आप जब कंपेयर करेंगे आप शेखावाटी से पिछले पाँच साल से मैं शेखावाटी में पोस्टेड हूँ फ़र्क क्या है नागौर और शेखावाटी में वहां हर बेटा बेटी पढ़ रहे पढ़ रहे हैं और ना केवल पढ़ रहे हैं उनका एक एम है कि मुझे बनना क्या है और वो जब तक नहीं बनते तब तक मेहनत करते हैं और नागौर में बहुत पोटेंशियल है लेकिन आपने देखा होगा मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब मैं अजमेर पढ़ता था बहुत से बच्चे और स्पेशली ये मेड़ता साइड में तो इतना पानी हुआ करता था कि वहाँ का बच्चा क्या करता था जब कॉलेज में आता तो वो कहता मैं नौकरी क्यों करूँ मेरे तो खेत में इतनी सरसों होती है तो वो क्योंकि उस समय खूब पानी था खूब कुओं में पानी था तो पड़ते नहीं थे धीरे धीरे वो कुएं सूख गए और आप मान के चलना जिस एरिया में सबसे पहले कुएं सूखे जिस एरिया में सबसे पहले पानी ख़त्म हुआ वहाँ के बच्चे सबसे पहले जो है वो एजुकेशन की तरफ चले गए और उनके पेरेंट्स भी दूसरे बिजनेस की तरफ चले गए तो अब अब ये परिस्थिति कोई एरिया की नहीं है पूरे नागौर की है अगर बच्चों को स्पेशली बेटियों को हम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे बहुत पीछे रह जाएंगे सिर्फ सरकारी नौकरी करना एक उद्देश्य नहीं है एजुकेशन का एजुकेशन का उद्देश्य ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम एजुकेट करेंगे बच्चों को तो सही समय पे बच्चों को मेहनत करावे और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी बच्चे ध्यान दें तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप पढ़ने के लिए देखो मेहनत भी है आपके पास आपके पास टाइम भी है लेकिन आपका गोल क्या है और आप किस चीज से प्रभावित है आपकी मोटिवेशन क्या है जैसे अभी बॉस अभी जब आप लोगों को मोटिवेट कर रहे थे बहुत से आप में से बच्चे होंगे जिन्होंने एक लाइन सुन के उसको अपना आइडियल बना लिया होगा उस एक लाइन को अपना आइडियल बना लिया होगा बहुत से ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स की मेहनत को देख के उसको एक आइडियल बना लेते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहाँ बहुत से टीचर्स भी बैठे हैं टीचर को देख के आइडियल बना लेते हैं तो आपका आइडियल कौन है आप किसको सोच के चल रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता मैं आपको बताऊँ जब मैं स्कूल e में पढ़ता था मुझे तो राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा लगता था और राहुल द्रविड़ अच्छा क्यों लगता था हालांकि उससे बढ़िया प्लेयर्स भी थे लेकिन राहुल द्रविड़ का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जब वो ग्राउंड में होता था जब टेस्ट मैच खेलता था दो दो दिन तक बेस्ट से बेस्ट बॉलर थक जाते थे वो बंदा आउट नहीं होता था गर्मी में सिर में बर्फ बांधी हुई आप लोगों ने कभी मैच देखा हो देखा होगा वो गर्दन नीचे करता इतना सारा एक लीटर तो पानी गिर जाता था वो उसका स्टेमिना वो इतनी मेहनत कर रहा है हम लोगों को क्या होता है कई बार हम लोग सफल व्यक्ति की सिर्फ फोटो देखते हैं उसका केवल सम्मान देखते हैं कि भाई देखो यार ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया उसके पीछे की मेहनत जो मेहनत है अगर वो मेहनत नहीं करी तो वो सम्मान कभी आपको नहीं मिलेगा तो जैसे बच्चे हैं बच्चे अगर दस पंद्रह साल से लेके और बीस इक्कीस साल के बीच में अगर मेहनत कर ली तो कर ली अगर पांच से सात साल आपने मेहनत कर ली तो आपकी पूरी ज़िंदगी शानदार होगी और ना केवल आपकी ज़िंदगी शानदार होगी आपकी पीढ़ियाँ सुधर जाएगी और अगर ये पांच सात साल आपने सिर्फ़ इसमें गंवा दिए कि आज तो फला के भाई के शादी है कजिन के पांच दिन तो डीजे पे नाचना है फिर ननियाल में मायरे में जाना है पाँच सात दिन वहां रहना है और फिर हमें खेलने चले जाना है तो भाई फिर पूरी ज़िंदगी ऐसा खेल खेलोगे जिसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा और जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे पेरेंट्स जब चौक से पीपली के गट्टे से निकलेंगे वो नज़र बचा के चलेंगे कि कोई ये नहीं पूछ ले कि तेरा बेटा क्या कर रहा है आजकल तो ये ये चीज़ है कि आप सही समय पे क्लिक करें सही से आप मोटिवेट हो आप कहाँ से मोटिवेशन लेते हो और ये आपके लिए कि आप किन के पद चिन्हों पर चलते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज अभी ये प्रोग्राम है निश्चित रूप से अभी सर बहुत अच्छे से कह रहे थे कि ये प्रोग्राम ये सीकर में भी कर सकते थे और मुझे लगता है कि इसका कोई बीस गुना बड़ा प्रोग्राम हो सकता था शानदार प्रोग्राम हो सकता था लेकिन इन्होंने मेहनत करी और आज ये स्पेशली आप तो लक्की हो थावला के लोग और आस के लोग तो लक्की है सारे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वाटर पे किए हैं और मैं भी हैरान रह गया है जब मैंने सुना कि आप थावला में प्रोग्राम कर रहे हो तो शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा जहाँ पे भी ये जा रहे हैं वो यही है अब इसमें दो नज़रिए हो सकते हैं कुछ आदमी ये सोच सकते हैं कि भाई आप बड़ा सा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो इस तरह से आ रहे हैं एक वो होंगे जो ये सोचेंगे कि यार इतना सफल आदमी हमारे बीच आया है और हमें ये दो घंटे दिए हैं जिनको हम ऑनलाइन सुनने के लिए तड़पते रहते हैं और जिनको पेरेंट्स भी शाम को आधे घंटे खाना खाने से पहले सुनना पसंद करते हैं वो आपके इस छोटे से गांव के अंदर आके और आपके बीच में आके और आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप कितनी बड़ी बात है तो इसके लिए मेरी तरफ से सर को बहुत बहुत पर्सनल वाला धन्यवाद क्योंकि मेरा ज़िला है और मैं आपको कई बार कहता रहता हूँ कि नागौर में पोटेंशियल है बहुत पोटेंशियल है और नागौर को आप गाइड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से इतने बच्चे निकलने वाले हैं शेखावाटी में तो एक सेचुरेशन आ गया लेकिन यहाँ पे जो बच्चों में पोटेंशियल है गाइड करने की जरूरत है तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लें कि कोई भी आदमी आके अगर आप में गाइड कर रहे हैं कि भाई आप जैसे मैंने कहा ना मेहनत करनी है बट सही समय से करनी है अब सही समय क्या है जैसे आठवीं नवीं का बच्चा है आठवीं नवीं का बच्चा अगर किसी गलत संगत में लगने का सबसे बढ़िया टाइम है अगर आठवीं नवीं का बच्चा जो है अपना आदर्श कहीं पड़ोस में ढूंढ रहा है कहीं ऐसी जगह आदर्श ढूंढ रहा है जो उसको नहीं ढूंढना चाहिए जिसके पच्चीनों पर चलने लग गया तो फिर आप कितनी मेहनत कर लो आप कभी भी उसको सफल नहीं कर पाओगे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मेरी मेरे घर का ही मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा मेरे पिताजी परबत सर के पास पीलवा में वो पीपलाद में रहते थे पहले पीलवा नहीं रहते थे पीपलाद में रहते थे अपनी नानी जी के गोद आए इकलौते दोते थे तो उनको लेके आ गए वहाँ पीलवा में फिर वो अकेले रहे अकेले रहे अकेले, अकेले खेती करते थे कोई उनकी हेल्प नहीं थी और डेफिनेटली उनके जब बेटे हम छः भाई हैं पूरी वॉलीबॉल की टीम है छ भाई हैं डेफिनेटली उनका अगर इंटरेस्ट होता तो वो लोग में से हो सकता है कि शुरू शुरू के दो तीन को अपनी खेती में ही लगा लेते कि भाई मेरा सहारा बनेंगे बाद में लेकिन उनकी क्या सोच थी उनकी सोच उनके बचपन से चली थी जब वो खेत में काम करते थे खुद ने पढ़ा मतलब वो खुद अपने आप हाँ पढ़े और अभी भी मैं जानता हूँ एक ऐसे रिटायर्ड प्रिंसिपल है पीलवा में ही जिनको मेरे पिताजी ने खेत में काम करते हुए पढ़ाया क्योंकि उनकी नानी उनको स्कूल नहीं भेजती थी पहले क्या होता था कि स्कूल भेजने से भी पेरेंट्स डरते थे तो वो उनकी जो स्लेट होती थी उसको मेरे पिताजी खेत में छिपाते थे और फिर उनको बुला के वहाँ खेत में पढ़ाते थे फिर वो प्रिंसिपल बने और फादर खुद कभी भी स्कूल में नहीं गए लेकिन न्यूज़ कौन से सुनते थे वो न्यूज़ चैनल जो आज भी शायद हम लोग नहीं सुनते हैं वो बीबीसी न्यूज़ सुनते थे ओनली और वही चीज़ थी जिसने मुझे गाइड किया मैंने मेरी प्रिपरेशन के पूरे टाइम फालतू के चैनल फालतू की बातें सुनने की बजाय हमेशा मैंने बीबीसी न्यूज सुना वो मैंने मेरे पिताजी से सीखा पिताजी की स्थिति ये थी कि जब यहाँ पे सारे लोग अपने बच्चों को टेंथ ट्वेल्थ में आसपास में कोई रीड में पढ़ाता था कोई इधर पढ़ा देता था किशनगढ़ भेज देते थे किशनगढ़ ज्यादा बहुत जल्दी जाते थे अजमेर की बजाय किशनगढ़ बहुत जल्दी जाते थे उन्होंने कहा नहीं मेरे बेटे अजमेर में पढ़ेंगे और चाहे कुछ भी हो जाओ अजमेर में पढ़ेंगे और वहीं रहेंगे ऐसा नहीं है कि संडे की छुट्टी होगी तो घर आ जाएंगे आने नहीं देते थे और फिर जब वो हमें रवाना करते कई बार हम लोगों को लगता कि शायद हमारे अगले पंद्रह दिन के खर्चे के पैसे है कि नहीं है हमारे फादर बोलते कि तू चल बस स्टैंड पे मैं आ रहा हूं तो वो गांव में किसी न किसी सेठ जी को कहते कि भाई अभी थोड़े पैसे नहीं हैं थोड़े पैसे तो एक दो सेठ जी उन पे कमेंट मारते थे तो उनका नाम स्वर्गीय रघुनाथ जी हैं तो वो कहते थे कि रघुनाथ भाई ऐसे मांग मांग के बच्चों को कब तक पढ़ाओगे तो वो कहते थे कि मेरे बेटे तो पढ़ जाएंगे और मैं मांग मांग के भी उनको पढ़ा दूँगा और वो निश्चित रूप से पढ़ेंगे तो वो चीज़ हम लोगों में आई और वो चीज़ को हमने ये माना कि यार जब हमारे पेरेंट्स इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें अब क्या हो गया आजकल कई बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे हो गए अपने क्या के आवाज़ क्या होता है कोई थोड़ा पद आ जाता है या हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम तो खुद ही वीआईपी पेरेंट्स बन जाते हैं वीआईपी पेरेंट्स बनके स्कूल में बच्चे को अगर टीचर ने डांट भी दिया तो कहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ डांट खाने के लिए थोड़ी है हम सबसे पहले हमारे बेटे को खराब कर देते हैं वहाँ पे तो ये हमें ध्यान रखना होगा पेरेंट्स का मतलब है उदाहरण पेश करना आप एग्जाम्पल पेश करो और बच्चे को कंपेरेटिवली थोड़ी सी तो टफ कंडीशन जीने दो तो उसको अब जैसे कई बार होता है कि मैं तो नहीं घर में ही पढ़ा लूंगा अब तो क्या हर गांव में ट्वेल्थ हो गई सीनियर सेकेंडरी ठीक है गवर्नमेंट ने हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी कर दी लेकिन आपको पता है नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे अगर वो अच्छी जगह जाके उनको मार्गदर्शन नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है तो निश्चित रूप से हमें हमारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और स्पेशली अब जैसे बॉयज़ पे तो बहुत ध्यान देते हैं गर्ल्स अभी भी कम दिखती है जब भी हम नागौर में इस तरह का जब भी अपन कोई देखते हैं फंक्शंस गर्ल्स लड़कियाँ अभी भी कम दिखती है लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पर पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है सभी पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि देखो जब तक आप समर्थ हो तब तक अपने बेटे या बेटी का भला कर सकते हो उसकी मदद कर सकते हो उसकी सुरक्षा कर सकते हो लेकिन जब बेटी ससुराल जाती है या बेटा भी कहीं बाहर जाता है तो उसको इतना कैपेबल तो बना के छोड़ो कि अगर उसको ज़िंदगी में कभी कोई धोखा मिले तो वो अपने पैरों पे खड़े मिले अपने पैरों पे खड़े हों और किसी की तरफ उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े और एक चीज़ जैसा अभी बॉस ने भी बोला कि कभी भी बच्चों में कॉम्पिटिशन इस तरह से मत करो कि फला का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है 95 फाइव परसेंट लिया तू तो काबिल नहीं है ये के के कभी भी बच्चे को डीमोरलाइज करने की बजाय कोशिश करो उदाहरण दो जैसे बिल्कुल कोई अनपढ़ भी काश्तकार है तो वो भी वो अपनी खेती का उदाहरण दो वो अपनी खेती के बारे में देखो कि बेटा देख पहले है ना मैं तीन बीघा में ही खेती करता था फिर मैंने सोचा यार चार बीघा में करूँ थोड़ी और मेहनत करूँ पहले मैं केवल है ना बाजरी गंवार बो देता था बारिश के टाइम फिर मैंने गेहूं बोना शुरू किया फिर मैंने कहा कि नहीं कमर्शियल क्रॉप चाहिए मेरे को सरसों बोनी शुरू कर दी वो भी खूब हो गई तो मैंने देखो सब्जी बोनी शुरू कर दी रात रात भर रखवाली करता हूँ ये सिखाओ बच्चे को तो डेफिनेटली वो बच्चा सोचेगा कि देखो जब मेरे पिता इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता और सभी यहाँ बच्चे बैठे हैं देखो एक बार बच्चों को क्योंकि मैं शायद हो सकता है पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा बोलने लग गया तो सभी बच्चों आप लोग ध्यान रखना देखो आपके पड़ोस में आपने आपसे बड़े भैया या दीदी को देखा होगा जो कहीं ना कहीं सक्सेस हुए चाहे वो किसी भी नौकरी में गए और मैं ये नहीं कहता कि केवल नौकरी में जाने की मानसिकता रखनी है हमें सफल होना है क्योंकि सरकारी नौकरियां देखो लिमिटेड है हम यहाँ भी फंस के रह जाते हैं हम हमको लगता है कि बच्चे को पढ़ा के बस एक सरकारी नौकरी टीचर बना देना है या कॉन्स्टेबल बना देना है ये तो लास्ट की चीज है ये तो जैसे अपन कहते हैं ना कई बार हमें पुरस्कार मिलता है भाई ये मेरिट नंबर वन है ये मेरिट नंबर टू है ये मेरिट नंबर थ्री है अब आ जाओ भाई जिसको बोलते हैं सांत्वना पुरस्कार लास्ट में तो मैं तो आर एस मिली उसको भी सांत्वना पुरस्कार मान के चलता हूं तो आप लोग ये सोचो कि हमें छोटा एम बिल्कुल नहीं देखना है हमें बड़ा एम पालना है अगर हमारे पड़ोस में भी कोई भैया दी या दीदी सक्सेस हुए सफल हुए तो कोशिश करो उनको दो तरह से मोटिवेट हो उनसे एक तो ये सोचो कि उसकी तरह बढ़ना है और दूसरा दूसरे ही पल सोचो कि उससे ऊपर जाना है उससे ऊपर जाना है तो ये दो चीज हमेशा दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली आप जो है वो आगे बढ़ोगे और आई थिंक आप लेट हो रहे होंगे क्योंकि अभी बोस को आगे बीकानेर भी जाना है तो जैसा मैंने कहा मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं बट मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात का असर अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है बहुत छोटे बच्चे हैं इनको पता नहीं हो जो मीडियम साइज़ बच्चे हैं आठवीं नवीं दसवीं उनमें से अगर दो चार पाँच दस बच्चे भी अगर उनको लगता है कि मैंने सही बात बोली है तो उसको फॉलो करना बेटा और कोई कसर मत छोड़ना पढ़ाई में पढ़ाई मुश्किल होती नहीं है मुश्किल क्या होती है जब हम पढ़ते नहीं हैं पत्थर तोड़ना ये कल्पना करो कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं कहीं पत्थर तोड़ेंगे कहीं खेत में हल चलाएंगे चार महीने मेहनत करेंगे सरसों की पैदावार हम सोचेंगे कि बस कल परसों हमें बहुत बड़ी दस लाख की पैदावार मिलने वाली है एक दो दिन में ओलावृष्टि होगी आंधी होगी खत्म हो जाएगा ये सब सपने इस तरह के देखो जो बुरे सपने हो सकते हैं और फिर सोचो कि पढ़ाई मुश्किल है क्या फिर आप सोचो कि क्या पढ़ाई मुश्किल है या वो काम मुश्किल है तो ये सोच के और पूरा अभी जो आपको ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं ये सर्टिफिकेट किस चीज के लिए मिले किस चीज के लिए मिले ये सर्टिफिकेट पता है आपको आप लोगों ने एक एग्जाम दिया उस एग्जाम में कुछ बच्चे पहली रैंक पे रहे कुछ बच्चे दूसरी रैंक पे रहे कुछ तीसरी पे रहे कुछ कोई चौथी पे रहे तो ये सर्टिफिकेट किस लिए दिया है इसको घर पे रखना और जिसकी पंद्रहवीं रैंक है ना वो हमेशा पंद्रह के ऊपर जाने की सोचना है कि मुझे पंद्रह से चौदह चौदह से तेरह तेरह से बारह बारह से ग्यारह ग्यारह से दस और पहले नंबर पे जाना है और पहले वाले बच्चे को पीछे देखते रहना है कि दूसरा वाला आके मुझे पहला पहले से दूसरे पे नहीं टिका दे तो मुझे पहले नंबर पे रहना है यह हमेशा रखना मैंने मेरी स्कूल की सारी मार्कशीट मेरे पास रख रखी है सारी मार्कशीट मेरे पास रखती है मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मार्कशीट। क्योंकि यही हमारी कमाई है यही हमारी कमाई है इसके अलावा कोई कमाई नहीं है हमारी कि पढ़ो और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ और निश्चित रूप से अच्छे लोगों से गाइड हो अच्छे लोगों से मोटिवेट हो और मेहनत करो मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से सफल होगे आप सब लोगों ने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन ओम जी को और आपकी संस्था के पूरे परिवार को धन्यवाद कि हमें मौका दिया और इस्पेशली बोस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रियल में मुझे मौका तो मुझे आपने दिया है कि आपके जिले का प्रोग्राम है तो मेरा यहाँ आना बनता था और मैं खुश हूं कि यहां पे मैं आ पाया हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच